नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। जम्मू कश्मीर में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को आखिरी दिन श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड को हटवा दिया था। उन्होंने कहा कि आप सब अपने दिल में खौफ और डर निकाल दीजिए, कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा में अब कोई खलल नहीं डाल सकता है। तेज प्रताप यादव एक बार फिर भाई तेजस्वी यादव के बाहर जाते ही लालू प्रसाद यादव से मिलने राबड़ी आवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि वहां वो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिद पे अड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश में भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि अगले कुछ दिनों में करीब 22 मिलियन लोग भुखमरी का सामना करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने सोमवार को कहा कि इस सर्दी में 22 मिलियन से अधिक अफगान बेहद ही गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे। पहले से ही अस्थिर देश को दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समधी और हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय सिंह यादव बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच पैदा हुई गठबंधन टूटने की नौबत से थोड़े परेशान हैं, मगर बदली परिस्थितियों में अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट है। कैप्टन अजय सिंह यादव का दो टूक कहना है कि सबसे पहले गठबंधन बरकरार रखने का प्रयास करेंगे, जिससे पंथ निरपेक्ष शक्तियों की शक्ति कमजोर ना हो। मगर बात नहीं बनी तो रिश्तेदारी का सामना सम्मान रखते हुए अपनी पार्टी कांग्रेस का सम्मान करेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज फिजिकल मोड में कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित किए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि दुर्गा पूजा के बाद स्कूल खोले जाएंगे। वहीं आज सीएम ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य में 15 नवम्बर से स्कूलों को खोला जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाज का हर तबका आज खुश और संतुष्ट है। सहनी ने रविवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक कोविड-19 रोधी टीके की 107.22 करोड़ से अधिक खुराक दी गई है। मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पास टीके की 12.75 करोड़ से अधिक खुराक है, जिनका अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। नए कृषि कानून के खिलाफ एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ खरीफ सीजन में धान की खरीद पर मुनाफे का खेल भी शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में केंद्र ने पंजाब में धान खरीद लक्ष्य 170 टन निर्धारित किया है, लेकिन राज्य सरकार इसे बढ़ाकर 190 टन किए जाने की मांग कर रही है। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली रोहिणी आचार्य ने सोमवार को एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में लालू के साथ जगदानंद सिंह नजर आ रहे हैं। साथ ही कैप्शन के तौर पर लिखा है, दुख सुख के दोनों साथी। यह जब जाहिर हो चुका है कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह की नहीं बनती है। कल तेज प्रताप यादव ने खुलेआम यह ऐलान कर दिया था कि जब तक जगदानंद राजद में है तब तक पार्टी में उनका कोई मतलब नहीं है। देश में हर दिन करीब 15,000 नए कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 14,306 नए कोरोना के सामने आए हैं और 443 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 18,762 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 4,899 एक्टिव केस कम हो गए हैं। भारत के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या रविवार को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए। उनके दाहिने कंधे में चोट लगने के बाद उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हार्दिक की चोट कितनी गंभीर है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलेंगे या नहीं, अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपनी टीम के खिलाड़ियों को नसीहत दी है। रविवार को T20 मैच में भारत के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद बाबर आजम ने खिलाड़ियों से कहा, वो नहीं चाहते हैं कि भारत के खिलाफ मिली जीत से टीम ज्यादा उत्साहित हो। उनका कहना है कि विश्व कप जीतने के लिए हमें शेष मुकाबलों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। T20 विश्व कप में भारत को अपने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद T20 विश्व कप में टीम इंडिया की राह मुश्किल हो गई है। अब भारतीय टीम को टूर्नामेंट में अपने बाकी बचे 4 मैच जीतने होंगे। इनमें से अगर टीम इंडिया कोई भी मैच हारती है तो सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी। 4 मैच जीतने पर टीम इंडिया का सामना सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्टइंडीज में से किसी एक से हो सकता है। महाराष्ट्र के सांगली में एक बार बोले नेताजी कुछ ज्यादा ही बोल गए, जिसके बाद उनके बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। नेताजी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि ईडी मुझ पर छापा नहीं मारेगी क्योंकि मैं सत्ता में हूं, भाजपा का हूं, ये कोई और नहीं भाजपा सांसद संजय पाटिल के बोल है। उन्होंने कहा है कि इस बात की भले ही रिकॉर्डिंग भी हो जाए तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी।
सुपरस्टार रजनीकांत को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने यह पुरस्कार अपने गुरु और फिल्म निर्देशक दिवंगत के बालचंदर को समर्पित किया है। अपने प्रशंसक द्वारा थलाइवा के नाम से पुकारे जाने वाले रजनीकांत को 2019 के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत की इस हार से हर एक भारतीय निराश था, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न पटाखे फोड़कर मनाया गया। इसको लेकर भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग नाखुश है और उन्होंने अपनी भड़ास इंटरनेट मीडिया के जरिए जाहिर की है, जिसके तहत सहवाग ने कहा कि दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े गए थे। अच्छा, वो क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे होंगे। कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने को लेकर छिड़ी वैश्विक मांग के बीच ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री बनारबी जॉयस ने 2050 के शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के लिए समर्थन की घोषणा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के रिपोर्ट के अनुसार जॉयस ने हाल ही में कहा है कि उनकी नेशनल पार्टी 2050 तक शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए सहमत हो गई है। 2019 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से कांग्रेस अंदरूनी स्तर पर अपने ही नेताओं की आलोचना झेल रही है। खासकर जीते इस समूह ने तो कांग्रेस आलाकमान को ही निशाने पर ले रखा है। हालांकि ऐसा लगता है कि सार्वजनिक मंचों पर पार्टी नेताओं की आलोचना झेलने के बाद कांग्रेस ने इसकी काट ढूंढ ली है। काट यह है कि अब पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता लेने वालों को हलफनामा देना होगा कि वो सार्वजनिक मंचों पर कभी भी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम की आलोचना नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में रजौरी पूंछ सीमा पर मेंढर की भाटी धुरिया के जंगलों में सोमवार सुबह सुरक्षा बल और भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह के बीच में गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। इस इलाके में मुठभेड़ का आज लगातार 15वां दिन है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इन लोगों की तलाश चलाई गई थी और इस दौरान सुरक्षा बल पर हमला किया गया और इस पर सुरक्षा बलों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। फेसबुक पर प्रकाशित सामग्री यानी पोस्ट आदि से भारत में खतरनाक तौर पर सांप्रदायिक नफरत भड़की है। इन्हीं पोस्ट के चलते फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे की आग भी दहल उठी थी। इन दंगों में कम से कम 53 लोगों की जान गई थी। फेसबुक पर ऐसी सामग्री में दिसंबर 2019 के बाद से महीनों के दौरान 300% का इजाफा हुआ था। यह वो समय था जब देश भर में CAA यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध हो रहे थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में 25 अक्टूबर को आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के फिल्मकार मनोज वर्मा द्वारा बनाई गई फिल्म भूलन द मेज को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों फिल्म के निर्माता मनोज वर्मा ने पुरस्कार हासिल किया। गौरतलब है कि इस साल 22 मार्च 2021 को तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसमें भूलन द मेज को शामिल किया गया था। एनसीबी जहाज पर मादक द्रव्य मामले में मुंबई की विशेष अदालत में दो नए हलफनामे दायर करेगी। एक हलफनामा एजेंसी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा दायर किया गया है। वहीं जहाज पर नशा मामले में विवादों में घिरे समीर वानखेड़े मुंबई से कल दिल्ली आएंगे। एनसीबी अफसर वानखेड़े ने अदालत में कहा है कि जहाज पर नशे के मामले में उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, जांच भटकाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को राज्य के सिद्धार्थनगर समेत 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण को आजादी के बाद स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम तोड़ने वालों के प्रति श्रद्धांजलि करार किया। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए इस पूरे क्षेत्र में अहिल्या की तरह किसी राम का इंतजार आज यहां खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश और देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत बल्कि एक स्वस्थ और समर्थ भारत के रूप में देश को रखने का जो काम इस समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है वो अभूतपूर्व है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मंत्री नवाब मलिक ने सोमवार को एक बार फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को निशाने पर लिया है। इस बार उन्होंने पूछा है कि क्या वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मलिक ने एक कथित जन्म प्रमाण पत्र और वानखेड़े की शादी की तस्वीर को कैप्शन के साथ ट्वीट किया। यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा पहचान। मध्य प्रदेश के भोपाल में रविवार को बजरंग दल के लोगों ने वेब सीरीज आश्रम 3 के सेट पर तोड़फोड़ की और शूटिंग रुकवा दी। वेब सीरीज के डायरेक्टर प्रकाश झा और दूसरे लोगों के साथ भी बदतमीजी किए जाने की बात सामने आई है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज के नाम को हिंदू विरोधी कहते हुए यह हंगामा किया। इस घटना पर अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उनका कहना है कि प्रकाश झा ने जो नाम रखा है वो वाकई गलत है।
रूस, यूके और इसराइल में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट AY.4.2 ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। IAPS की नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीला गर्ग ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट पर हम सब की नजर है। मौजूदा वक्त में इस नए वेरिएंट के विदेशों में अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भारत में भी फिलहाल इसकी मौजूदगी पाई गई है। सस्ती उड़ान सेवा उपलब्ध कराने वाली एयरलाइन स्पाइसजेट 31 अक्टूबर से देश भर में 28 नई घरेलू उड़ान शुरू करेगी। स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा है कि वो अपने नए शीतकालीन कार्यक्रम के तहत राजस्थान के जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर के पर्यटन स्थलों को प्रमुख महानगरों और शहरों से जोड़ने वाली कई नई नॉनस्टॉप उड़ान शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के बाद उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार पर पूर्वांचल को बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस AY.4.2 की रोकथाम के लिए पूरी तैयारी की जरूरत बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को समय रहते एक दूसरे देशों के अनुभव के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर लेना चाहिए। गहलोत ने आज सोशल मीडिया के जरिए ये बातें कही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार सुबह सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें एक मुकदमे में जमानत मिल गई है। वहीं दूसरे मुकदमे में केस वापसी के लिए डिस्चार्ज अर्जी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फिलहाल इन दोनों मामलों में अब 3 नवंबर की तारीख तय हुई है। यहां से केजरीवाल गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सतीश कुमार, नीतीश कुमार, पवन कुमार, खान सर UPSC, नन्नू कुमार, स्वीटी कुमारी, सर्वज्ञ कुमारी, रामचंद्र कुमार पासवान, मनीष मैथ्स, नाजदा परवीन, रामशंकर शाह, राजेश सोंथियाल, शमशाद आलम। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार COVID-19 के नए डेल्टा वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए क्या नियमों में सख्ती लगाए जाने की जरूरत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।